नमस्कार टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल के एक क्विक रिकैप के साथ कल हमने आपसे पहला सवाल पूछा था निम्नलिखित में से किस संस्था ने क्लाइमेट चेंज एंड लैंड नाम की रिपोर्ट जारी की है तो ये रिपोर्ट आई ने जारी की है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने हाल ही में सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं यह संगठन निम्नलिखित में से किस राज्य में सक्रिय रहा है तो यह त्रिपुरा में सक्रिय रहा है तीसरा सवाल था देश के चार राज्यों में सार्वजनिक वितरण से जुड़े इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की गई है कौन सा राज्य इन राज्यों में शामिल नहीं है तो केरल चौथा सवाल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया तो इसका सही जवाब है झारखंड पांचवा सवाल था किसके तत्वाधान में एम्पावरिंग इंडिया थ्रू टेक्नोलॉजी नामक दो दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई तो इसका सही जवाब है परमाणु ऊर्जा विभाग छठा सवाल चर्चा में रहा शब्द लेकिन क्या है तो यह एक चक्रवात है सातवां सवाल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की विकास यात्रा से जुड़े निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आज सौवीं जयंती मनाई जा रही है तो कल विक्रम सारा भाई की सौवीं जयंती थी आठवां सवाल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन आयोजित होता है तो यह 12 अगस्त को आयोजित होता है सवाल कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया ने ग्रैंड प्रिक्स में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दसवां सवाल मिनिमाता कन्वेंशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है तो इसका संबंध मरकरी से है अब देखते हैं जो कल प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वर्ष 2020 में खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ होगा असम मेघालय मणिपुर या पश्चिम बंगाल खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन असम में किया जाएगा ये 10 से 22 जनवरी के बीच होगा आपको बता दें कि इस खेल का पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में और दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में आयोजित हुआ था तो कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए असम अब देखते हैं आज का पहला सवाल हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस बस सेवा को बंद कर दिया है दिल्ली पठानकोट बस सेवा दिल्ली काठमांडू बस सेवा दिल्ली लाहौर बस सेवा या दिल्ली ढाका बस सेवा दिल्ली सरकार ने दिल्ली लाहौर बस सेवा को बंद कर दिया है पाकिस्तान की तरफ से 12 अगस्त को इस सेवा को बंद करने का ऐलान किया गया था इस बस सेवा की शुरुआत 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी 2001 में संसद पर आतंकी हमले के बाद इस सेवा को बंद कर दिया गया था लेकिन 2003 से फिर से इस सेवा को प्रारंभ किया गया तो पहले सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली लाहौर बस सेवा दूसरा सवाल है भारत सरकार ने भारतीय औषधि प्रणाली पर आधारित कितने विशेष अस्पताल शुरू करने की घोषणा की है एस एक सौ बीस एक सौ चालीस या एक सौ पचास भारत सरकार ने भारतीय औषधि प्रणाली पर आधारित एक सौ पचास विशेष अस्पताल शुरू करने की घोषणा की है आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री एस वाई नायक ने यह बात कही है साथ ही उन्होंने एम्स की तर्ज पर देश भर में शोध संस्थान खोलने की भी बात कही है आपको बता दें कि आयुर्वेद यूनानी योग आदि को बढ़ावा देने के लिए 2014 में एक अलग आयुष मंत्रालय बनाया गया था इससे पहले यह एक विभाग के तौर पर काम कर रहा था तो दूसरे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी एक तीसरा सवाल इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है चंद्रमा शाह अंशुला कान्त दिव्या सूर्य देवड़ा या इनमें से कोई नहीं चंद्रमा शाह को इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की निदेशक भी रह चुकी हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना 1935 में की गई थी ये स्थापना कोलकाता में हुई थी पहले इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था उन्नीस तक इसका मुख्यालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में था बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया इसका मकसद भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना है तो तीसरे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी चंद्रमा शाह की बात करें तो अंशुलांत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एम रह चुकी है इन्हें इसी साल जुलाई में वर्ल्ड बैंक की एम और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सी नियुक्त किया गया था दिव्या सूर्यदेवड़ा को जून 2018 में जनरल मोटर्स की वित्तीय अधिकारी यानी सी नियुक्त किया गया था अगला सवाल है मुख्यमंत्री मदद योजना किस राज्य सरकार की पहल है झारखंड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश या बिहार मुख्यमंत्री मदद योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है इसका मकसद आदिवासियों में बच्चे पैदा होने और किसी की मृत्यु होने पर, पर परिवार की मदद करना है बच्चे के पैदा होने पर, पर परिवार को पचास किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा किसी की मृत्यु होने पर, पर परिवार को 100 किलोग्राम चावल या गेहूं दिया जाएगा साथ ही बर्तन देने की भी योजना है तो चौथे सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश अगला सवाल है हाल ही में ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में किन्हीं जीत मिली है अलेजांड्रो गियाई सैंड्रा टोरेस जिमी मोराल या इनमें से कोई नहीं ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में अलेजांड्रो गियामाटेई को जीत मिली है ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते हैं इस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व प्रथम महिला एवं सोशल डेमोक्रेट सैंड्रा टोरेस को हराया है ग्वाटेमाला की बात करें तो एक मध्य अमेरिकी देश है इसकी सीमा उत्तर और पश्चिम में मेक्सिको से लगती है इसकी पूर्वोत्तर सीमा बेलीज और कैरेबियन सी से लगती है इसके पूर्व में हॉन्डरस है और इसके दक्षिण पूर्व में एल्स अल्वाडोर है इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है यहाँ की मुद्रा क्वेडजल कहलाती है तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अलेजेंड्रो गिया जिमी मोरल अभी यहाँ के राष्ट्रपति हैं अगला सवाल है किस आईआईटी संस्थान के छात्रों ने यूरिन को रिसाइकिल करने वाले सिस्टम को डिज़ाइन किया है आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली आईआईटी मद्रास या आईआईटी रुड़की आईआईटी मद्रास के छात्रों ने यूरिन को रिसाइकिल करने वाले सिस्टम को डिज़ाइन किया है इसी साल जुलाई में प्रोजेक्ट वाटर चक्र को इंडियन इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम टू पॉइंट अवार्ड से नवाजा गया था इस नई प्रणाली से यूरिन को रिसाइकिल करके इससे विनिर्माण में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास सातवां सवाल है गैर राज्यवासियों को नाम बदलने से रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने एक कानून पास किया है केरल गोवा तमिलनाडु या कर्नाटक हाल ही में गोवा की विधानसभा ने गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम अमेंडमेंट बिल टू पास किया है इस पर अभी गवर्नर के हस्ताक्षर होना बाकी है इसके तहत नाम या सरनेम में बदलाव को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है गोवा में पहले से गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट 1990 लागू है इसके तहत पुर्तगाली स्पेलिंग और प्रोनाउसिएशन में इंग्लिश में अनुवाद करने पर बदलाव किए जाने की अनुमति है इसके माध्यम से कुछ जातियों को अपने समुदाय के दूसरे नाम के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी नए बिल का मकसद प्रवासी लोगों को अपने नाम में बदलाव करने से रोकना है तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा आठवां सवाल है मोटर स्पोर्ट्स का विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है अलीशा अब्दुल्ला ऐश्वर्या विश्व खिताब जीता है ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय हैं इस खिताब का नाम है एफ आई एम वर्ल्ड कप इस चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी में किया गया था तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी ऐश्वर्या पिस्से नौवा सवाल है हैदराबाद ओपन बैडमिंटनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है पुलेला गोपीचंद श्रीकांत किदम्बी सौरभ वर्मा प्रणय कुमारे सौरभ वर्मा ने हैदराबाद ओपन बैडमिंटनशिप का पुरुष एकल खिताब जीता है इन्होंने फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के लोह कीन यू को हराया है फाइनल मुकाबले का आयोजन गचीबोवली इंडोर स्टेडियम में हैदराबाद में हुआ था इस साल सौरभ ने मई में स्लोवेनियाई इंटरनेशनल भी जीता था तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी सौरभ वर्मा आज के सेशन का आखिरी सवाल है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है 10 अगस्त 11 अगस्त 12 अगस्त या 13 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी इसकी शुरुआत कनाडा के सिम्स और थाईलैंड के एलिफेंट री फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी इसका मकसद वैश्विक स्तर पर हाथियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाना है इसके माध्यम से हाथियों पर मंडरा रहे खतरे पर आवाज उठाना है ताकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 12 अगस्त अब देखते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है कर्नाटक आंध्र प्रदेश बिहार या उत्तर प्रदेश आप इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कल इस सवाल के सही जवाब और कुछ नए सवालों के साथ हम फिर से मिलेंगे नमस्कार